हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अनु और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुज रियल लाइफ ब्लॉग में। सो गाइज, आज दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही पहले और अभी तो आफ्टरनून या फिर इवनिंग जो भी कह लीजिए, क्योंकि अभी 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा है और अब जाके मतलब सुबह से मेरा सारा काम तो हो चुका है, बट आज सैटरडे है तो साफ़ सफाई नहीं हो पाया क्योंकि आयान भी बीच में मतलब खेल रहा है और ये आयन के पापा भी घर पे ही हैं तो, और मुझे आयन की वजह से साफ़ सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको इधर उधर भटकते रहना है हमेशा, तो मैं नहीं लगा पाती। और आज सैटरडे, फिर भी इनको ऑफ़िस का काम है तो वो ऑफ़िस का काम कर रहे थे और ये मेरे ही साथ था, तो इसलिए सबसे पहले सुबह से मतलब सारा काम हो चुका है और खाना पीना सब हो गया, लंच वगैरह। उसके बाद अब जाके वो फ्री हुए थे तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट किया और डायन को थोड़ी देर वहाँ चेयर पे बिठा के उसको कार्टून देखने के लिए दिए थे। तो बस यहाँ पे सब क्लीनिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह। तो अभी झाड़ू हर जगह मैंने लगा दिया है, अभी पोछा लगा रही हूँ। और डायन अभी भी हॉल में बैठ के अपना कार्टून देख रहा था चेयर पे। वैसे वो बैठ के देखता नहीं है बट अभी थोड़ा टाइम वो बैठ के देख रहा था, बट यहाँ से उठ के वो वापस चला गया रूम में। और उसका ना टाइम हो गया सोने का क्योंकि वो इस टाइम पे ही सोता है, हमेशा 3 बजे के करीब सोता है, फिर शाम में 5 बजे 6 बजे तक उठ जाता है। कभी कभी सोता है इतना टाइम, ऐसे तो बहुत जल्दी उठ जाता है कभी कभी। तो बस यहाँ पे मैं हॉल में पोछा लगा रही थी और वो यहाँ से उठ के रूम में चला गया अपने पापा के पास और वहाँ पे जाके वो मतलब सोने जैसा सो गया, 5-10 मिनट में ही सो गया। जब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी वो थोड़े टाइम में ही रूम में जाके सो गया खुद से। और पता है ये ना मतलब ऐसे दिन में ही खुद से सोता है, रात में तो इसको सोने के लिए कितना करना पड़ता है, कितना घुमाना पड़ता है गोद में लेके, तब जाके ये सोता है रात में। और दिन में ऐसे इसको नींद आता है तो ये खुद से सो जाता है। बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप लोग भी जिनके घर में होंगे छोटे बच्चे वो समझ सकते हैं। और अभी आजकल के बच्चे तो और इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, उनको हर वक्त टाइम चाहिए हर वक्त। और यहाँ पे काम वाम ख़त्म करके ना पोछा वगैरह सब कुछ लगा के मैं भी जाके सो गई थी थोड़ा सा, तो मेरा आँख जो है ना 6 बजे के करीब जाके लग गया थोड़ा। और अभी आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा हो गया ना, शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ पे ये जाके मुझे उठाए थे क्योंकि इनको ऑफिस का काम था, तो आयान रूम में सो रहा था और मैं भी रूम में जाके सो गई, तो ये हॉल में आके अपना काम कर रहे थे। और जब इतना अंधेरा हो गया तो ये जाके मुझे उठाए, तो मैं उठी फिर क्योंकि मुझे शाम के टाइम आँख लग गया था मेरा भी। तो बस अभी मैं उठी हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ शाम की चाय। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी हमारा चाय वगैरह हो चुका है आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे आयान का मोबाइल आ गया है तो वो ये देखिए, मैं आप लोगों को ये अपने मोबाइल को लेके इसका अनबॉक्सिंग कर रहा था। तो यहाँ पे इसने ये पैकेट से भी निकाल लिया, फ़ोन भी निकाल लिया और यहाँ पे सारा डब्बा ओपन करके और ये फ़ोन भी निकाल लिया है। एक्चुअली अभी होता क्या है ना, अभी ये फ्लिपकार्ट वाले जो हैं वो ओपन बॉक्स डिलीवरी कर रहे हैं, तो मैं फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ वो जब आए थे देने के लिए तो वो ऑलरेडी ओपन करके देते हैं, तो इससे होता क्या है कि कोई डैमेज अगर रहा तो उसके लिए बाद में रिटर्न नहीं लेता है। तो एक तरह से सही है, ये कस्टमर के लिए भी सही है, बाद में अगर ऐसा कुछ रहता था तो बाद में रिटर्न करो वगैरह, तो इन सबसे ईजी हो गया ये सारा चीज़। तो वो सारा फ़ोन का अनबॉक्सिंग तो वही करके दिया था तो मैं नहीं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाई, बट इसका फ़ोन ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और ये फ़ोन इसका आ चुका है, तो अभी जो है वो मेरे फ़ोन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और ये देखिए आप लोग फ़ोन, ये सैमसंग का फ़ोन है, 5G है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ़ोन का लुक भी बहुत अच्छा है और इसके साथ में चार्जिंग के लिए और ये कवर वगैरह ये सब कुछ नहीं दिया, ये अभी जस्ट लेके आए थे तो मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि इस लड़के के हाथ में फ़ोन आते ही ये उसको उठाना पटकना फिर से स्टार्ट कर देगा, तो सबसे पहले ज़रूरी है फ़ोन का सेफ्टी क्योंकि फ़ोन तो आ गया बट इसका सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसने ऑलरेडी एक फ़ोन है ना वो तोड़ चुका है ये, तो इसीलिए अभी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ये मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था। और
ये मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था और मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी, हमेशा इसी के पास मेरा मोबाइल रहता था। तो अभी मेरे फ़ोन को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा और आप लोगों को वीडियो भी अब हर रोज़ मिलेगा। आप लोगों में से किसी को भी फ़ोन लेना हो, अभी तो अभी बहुत अच्छा सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट में आप लोगों को फ़ोन मिल जाएगा। और ये 5G फ़ोन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी लो प्राइस में एटलीस्ट मुझे मिल चुका है ये। तो और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका मॉडल। तो ये है ये फ़ोन, आप लोगों को अगर लेना होगा तो आप लोग एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो बस उसके बाद मैं आयान के साथ ही बैठी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि इनको फिर से बाहर जाना था। तो शाम के टाइम पे ये 8 बजे बाहर चले गए, उस टाइम 8 बज रहा था, आप लोगों ने देखा उस टाइम ये बाहर चले गए थे। और अभी 9:30 बज चुका है, तो ये 9:30 बजे आए हैं और अब जाके मैं आया हूँ किचन में काम करने के लिए अपना, क्योंकि ऐसे तो आयान काम करने नहीं देगा ना, उसके साथ भी कोई ना कोई रहना चाहिए। तो अभी ये आए हैं तो वो उसके साथ उसको लेके गए हैं और अभी मैं यहाँ पे आई हूँ अपना काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है और ये सुबह की सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी बची हुई थी तो वो सब गर्म कर रही थी मैं, वो सब गर्म करके निकाल के सारे बर्तन वगैरह धुलने हैं मुझे। और अभी फिर मुझे कुछ बनाना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्पाइसेस चेक कर रही थी, तो उसमें ना सारे मसाले के डब्बे जो है मेरे खाली हो चुके थे, तो मैं उसमें फिल कर रही थी मसाला। और यहाँ पे बेसन का पैकेट था तो बस इसको भी भर के रख रही थी, और थोड़ा सा बेसन मैंने अभी निकाल लिया है प्रान में, तो क्योंकि उसका यहाँ पे मैंने लौकी कट करके रखा है, बस इसका मैं थोड़ा सा बनाऊंगी बच का। और बस थोड़ी सी रोटी और सब्जी वगैरह दाल वगैरह सब कुछ सुबह का है तो सब मैंने गर्म कर लिया है। और बस ये सारा काम हो चुका और यहाँ पे बाड़ी आ गई है बर्तन की, तो बस जल्दी जल्दी से बर्तन धुल रही हूँ। बस होता क्या है ना, मेरा आयान की वजह से थोड़ा टाइम काम मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब क्या करें, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उसके वजह से हमेशा उसके साथ ही रहना पड़ता है, वो ऐसे काम ही नहीं करने देता। अगर अभी तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसको और ज़्यादा मतलब अटेंशन चाहिए, वो अकेले रहता ही नहीं है, बस कोई तो उसके साथ में चाहिए, ऐसा हो गया है उसको। तो बस यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और यहाँ पे अभी मैं बेसन को है ना फेंट दे रही हूँ पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगी आटा। जब तक ये बेसन फेंट के रख दूंगी, जब तक ये फूल जाएगा अच्छे से, थोड़ा टाइम बेसन मतलब फेंट के रखने से ना बहुत अच्छे से फूल जाता है और ये जो होता है बचका वगैरह काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो बस इसे मैंने फेंट के रख दिया है सारे मसाले वगैरह डाल के, और दूध भी बॉयल हो गया है मेरा। और बस यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ, थोड़ी सी रोटी बना लूँगी। कुछ लोग कमेंट करके ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट काम करते हो, तो जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई फास्ट नहीं काम करती। वीडियो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 10 मिनट का वीडियो में आप लोगों को मेरा पूरा दिन से लेकर रात तक का हर चीज़ दिख जाता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि पूरे दिन से लेकर रात तक इंसान 10 मिनट ही तो काम नहीं करता होगा। और यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट करती हूँ इसलिए आप लोगों को लगता है कि काम जल्दी होता है, बट रियल में ऐसा कुछ जल्दी नहीं होता है। जितने टाइम सबको लगते होंगे आई थिंक मुझे भी उतना ही टाइम लगता है काम करने में। और क्योंकि मैं 9:30 बजे आई हूँ यहाँ पे और मैं 2 घंटे में तो 2 घंटे कम से कम तो ज़रूर ही लगे होंगे, 11:15 बजे तक मैं जाके फ्री हुई हूँ किचन से, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि मेरा भी काम कोई जल्दी नहीं होता। जितना टाइम सबको लगता है मुझे भी उतना ही लगता है या उससे भी ज़्यादा लगता है, आप लोग जो भी समझे। तो बस यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ थोड़ी सी, और लौकी वगैरह कट करके मैंने रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटी बना ले रही थी, उसके बाद क्योंकि इसी तवे पे मुझे वो बचका भी बनाना है तो उसके बाद ये ऑयली हो जाएगा ना, तो पहले रोटी बना के रख ले रही थी, उसके बाद बचका बना लूँगी। तो बस यहाँ पे सारी रोटियाँ बन चुकी है और मैं ना बीच में आयान को भी एक दो रोटी ले जाके दे देती हूँ, वो थोड़ा बहुत खा लेता है इस टाइम गरम गरम रोटी ना, एक आधा एक खा लेता है ऐसे करके, और बाद में खाने में बहुत नखरा है उसका। तो बस वो हो चुका और यहाँ पे बेसन तो फिटा हुआ ही था और उसमें लौकी के सारे जो स्लाइसेस मैंने कट करके रखे थे वो बेसन में डिप करके सारे तवे पे डाल देने हैं और वो ऑयल के साथ ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे तवे पे ही, क्योंकि ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना था तो थोड़े बहुत ऑयल्स में तवे पे ही बनाना है, क्योंकि और सुबह का सब्जी वगैरह दाल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो अभी बस ये थोड़े से बना ले रही हूँ, गरम गरम खाने में अच्छे लगेंगे। बस
तो ये देखिए मेरे एक बैच जो है वो निकल चुका है इसका एक बार और बस एक थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस वो डालूँगी। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, और किन किन के घर में ऐसे बनता है वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बनता तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरे सारे ये भी बन चुके हैं ऑलमोस्ट, आप लोग देख सकते हैं थोड़े से दो चार बचे हुए हैं, तो अब वो लास्ट के मैं डाल दूँगी। और ये जो मेरा तवा है ना वो भी काफ़ी बड़ा है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें से सारा बन जाता है, एक दो बार में ही सारा हो जाता है। तो बस ये लास्ट का सारा डाल दे रही हूँ, और बस यहाँ पे मेरा डिनर बन चुका, हो चुका रेडी। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर करेंगे, और मेरा मुझे तो अभी भूख भी नहीं है, तो देखते हैं, क्योंकि अभी मतलब बनाते बनाते ही 11:30 बज चुका था, और खाना खाने में 12:30 ऐसे बज जाता है हम लोगों को। तो बस यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।